सब्सक्राइब कीजिए गोइंग पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ एक और न्यू टेक्निकल एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कंप्यूटर की स्पीड को कैसे पहले से 3 times इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी 3 steps को जो है फॉलो करके। तो चलिए गाइस देख लेते हैं वो स्टेप क्या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है डिलीट टेम्पररी फाइल। दोस्तों हमारी कंप्यूटर में हमारी ना चाहते हुए भी बहुत सारी फाइल हमारी कंप्यूटर के बैकग्राउंड में टेम्पररी सेव होते रहते हैं, और इस सब फाइल की वजह से हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो पहले से कम हो जाती है। तो आपको रेगुलरली इस टेम्पररी फाइल को जो है रिमूव करना होता है। तो ये टेम्पररी फाइल आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल आपकी कंप्यूटर में जाना होगा और अपनी कंप्यूटर में सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है रन। तो आप जब भी यहाँ पर रन टाइप करेंगे तो ये आपको ओपन करना है, और यहाँ पर आपको सिंपल सा लिख देना है परसेंटेज टेम्प एंड देन परसेंटेज। तो उसके बाद आपको ओके करना है। तो सिंपल आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जितने भी टेम्पररी फाइल है ये सब की लिस्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। मेरा इतना सारी टेम्पररी फाइल अभी तक स्टोर है, तो मुझे इसको क्लीन करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपल कंट्रोल प्लस ए यहाँ से पेस्ट करूँगा और इस सब को जो पूरा सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मुझे जो करना है इसको डिलीट करना है। तो मैं शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करूँगा और परमानेंटली इसको जो है डिलीट कर दूँगा। नंबर 2 है डिलीट प्रीफेच फाइल। तो दोस्तों ये भी टेम्पररी फाइल की तरह एक डंप फाइल है जिसको हमें ज़रूर डिलीट करना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको रन में जाना होगा, और रन के जाने के बाद आपको सिंपल रन में आपको टाइप करना है प्रीफेच बोलकर और उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पर जितना भी प्रीफेच फाइल आपकी कंप्यूटर में है तो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और सिंपल आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। कंट्रोल प्लस ए देखते सारी को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करके इस सारी को जो है परमानेंटली डिलीट कर देना है। नंबर 3 है डिस्क क्लीनअप। सिर्फ टेम्पोररी या फिर डंप फाइल को डिलीट करना ही काफ़ी नहीं होता कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। इसके लिए आपको पर एक डिस्क को जो है सी ड्राइव बोलिए तो उसको उसके में जो टेम्पोररी फाइल भी स्टोर होते हैं तो उसको भी आपको क्लीनअप करना ज़रूरी होती है। तो इसके लिए सिंपल आपको जो करना है, आपको सिंपल अपनी डिस्क पीसी या फिर माइक कंप्यूटर जो भी बोलिए आप वहाँ पर आपको जाना है और आपको एक एक ड्राइव को आपको पकड़ना है, जैसा कि मैं यहाँ पर सी ड्राइव को पकड़ता हूँ, और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और जाना है सिंपल प्रॉपर्टीज पे, और उसके बाद आपको जो है यहाँ से आप डिस्क क्लीनअप बोलकर एक जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपको सिंपल सारे को जो है टिक कर देना है और उसके बाद क्लीनअप सिस्टम फाइल इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से ये वाला ऑप्शन आ गया, आपको फिर से यहाँ पर सारे को टिक करना है और आपको जाना है मोर ऑप्शन पे, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पर ये देखिए सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपीज, यहाँ पर आपको जाकर आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पर आपको क्लीन करेंगे तो ये डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपल यहाँ से जो है परमानेंटली इसको डिलीट कर देना है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।